में तो आप इतने में हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं उधर? मेरे कैमरा पछता तो लग रहा है, उधर जाना तो यार। चलो यार चलते हैं, उधर पछता तो लग रहा है, उसको देने जा क्या। चलो चलते हैं। रविदास जी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे जी, तो उस राजवान सिंह ने राजवान सिंह को नुकाया था। अब यहाँ से जहाँ तक तुम जाओगे ना भागे भागे, वहां तक ठहरे भी क्या पानी चलागा। जहाँ वो आपसी को मुड़ कर देख लिया था वही पानी खत्म हो गया था। ये चरण छू गंगा खैरालगढ़, जो राजा जी थे उन्हें गुरु महाराज जी ने कहा था कि जहां भी तुम पीछे मुड़ के देख लोगे वहीं से ये समा जाएगी गंगा, और उधर से दिखाओ ये समा रही है आगे जाके 1 किलोमीटर लग दूर। सतनाम सतगुरु जी, आज हम आए हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर खैरालगढ़, चरण छू गंगा के नाम से सुप्रसिद्ध है। और आपने, आप सभी भलीभांति जानते हैं, इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति यह कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, और काफी दूर दूर से हर जिले से यहाँ पर संगत आ रही है। और आइए हमारे बड़े भाई जी, मैन कुमार लामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु रविदास मिशन स्टूडियो में। आप परिचय दे रहे हैं इस जनता को, भोली भाली जनता को, कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फरमाया जाता है। आज की तारीख यानी 28 अगस्त को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज खैरालगढ़ की धरती पर आए थे, तभी से सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका था। और लगभग 1.5 महीने लग सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का गांव गांव में, हर शहर में जन्मदिन मनाया जाएगा। और जो आप ये देख रहे हैं ये चरण छू गंगा खैरालगढ़, जो राजा जी थे उन्हें गुरु महाराज जी ने कहा था कि जहां भी तुम पीछे मुड़ के देख लोगे वहीं से ये समा जाएगी गंगा, और उधर से दिखाओ ये समा रही आगे जाके 1 किलोमीटर लग दूर। तो और आप सारा व्यू दिखाए, चारों तरफ से पहाड़ियों की तरफ से घिरा हुआ खैरालगढ़, बहुत ही अच्छी यहाँ पर वादियां हैं, बड़ा इन्वायरमेंट है इधर। और इधर हम आपको दिखाएंगे, इधर चलो, हाँ जी आश्रम की ओर चलो, इधर उधर दिखाओगे लास्ट में, चलो वहां छिप रही है, यहाँ में वहां दिखाओ जहाँ पे ये गंगा छिप रही है, मतलब समा रही है, वहां दिखाएं आप व्यू को। राजा बैन सिंह जी थे जिन्होंने गुरु महाराज जी का आदेश माना, और उन्होंने 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर पीछे मुड़कर देख लिया था, तो यहीं पे ये गंगा जी समा गई थी। दिख देखिए लास्ट लग, दिखाइएगा लास्ट लग, आओ जी थोड़ा सा बताइएगा इस गंगा के बारे में। ये देखो ये लास्ट है जी, ये लास्ट है जी। ताऊ जी आप कुछ कहना चाहोगे इस चमत्कार के बारे में, ऐतिहासिक जो स्थल है? चमत्कार ये जी, तुम कुछ बताइए पब्लिक को भी। मैं क्या बताऊं, ये कैसे कैसे शुरू हुआ? पहली बार यार, मैं पहली बार आए हैं, आप बताइए भैया। मेरी पहली बार। ताई जी किसी को पता है कि यहाँ पर ये गंगा जी समा रही है, तो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था ये प्रक्रिया, क्या है इतिहास यहाँ का? तो ऐसे चल रहा है, गुरु रविदास जी ने राजा बैन सिंह जी को कहा। हाँ हाँ जी, ये ऐतिहासिक स्थल है। हाँ, चरण छू गंगा। हाँ जी, चरण छू। जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी? ये पागे घूमते थे, पत्थर हटाया था। अच्छा जी। हाँ जी जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने पैर के अंगूठे से गंगा चला दी थी, और वहाँ पर लोग इतनी दूर आते हैं और नहा नहा के अपने रोज जो रोग है कष्ट है उन्हें दूर करते हैं, और सब नहाने के लिए जा रहे हैं। आप भी देखो सभी नहाते हैं, आश्रम तक उसी दिन आओ जिस दिन सत्संग हो, वो पानी यहाँ तक जी जी, यह पीछे पीछे रहता है यहीं से। ये हाँ, ये करिश्मा है, देखिए जो ये पानी दिखाइएगा आप, ये सत्संग जो एक साल में एक बार आता है तभी यहाँ लगाता है, नहीं तो पीछे छिप जाता है। ये गुरु महाराज की ये करिश्मा है, शक्ति है, अखंड ज्योति है, कि ये करिश्मा है जो कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी आए थे, ये गुरु रविदास जी महाराज जी का निर्माण उन्होंने किया यहाँ पर। इधर अलग आश्रम है, मंदिर है गुरु जी का, और उधर खैरालगढ़ चरण छू गंगा खैरालगढ़ में है, यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। तो
आज का बहुत ही ऐतिहासिक ये दिन है। आज के दिन ही यहाँ लग पानी आता है, नहीं तो और दिन पीछे रह जाता है। तो ये करिश्मा गुरु महाराज जी ने यहाँ दिखा। अगर आप लोग चरण छू गंगा खैरालगढ़ नहीं आए हैं तो यहाँ पर आए और गुरु जी के जो ऐतिहासिक स्थल है, चमत्कार है, वो जरूर देखे, क्योंकि आप देवी दुर्गो अलग अलग स्थानों पर नहीं भटकते हैं, और जिससे कि हमारा समाज गुमराह हो रहा है, गुमराह होने से बचे। और जो हमारे महान पुरुषों ने पाखंड को जोर तोड़ से जवाब दिया है, और प्रचार प्रसार को YouTube चैनल के माध्यम से आप फैलाने का ये जरूर कष्ट करें, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जन जन तक आवाज पहुंचनी चाहिएगा। हम इतनी दूर से आए हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उधर का व्यू दिखाए हमारे रविंद्रस्ता जी। हरी वादियों में घिरा ये खैरालगढ़ छू गंगा, चारों तरफ से पहाड़ियों का इलाका है, और हम आगे का व्यू ड्रोन द्वारा दिखाएंगे, ड्रोन उड़ा के दिखाएंगे, क्योंकि हमने 3-4 कैमरे ला रखे हैं, ड्रोन कैमरा अलग से है, तो इसलिए भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, वीडियो को आप लाइक तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और शेयर करने के बावजूद सोशल मीडिया पे जरूर आप ध्यान दिया करें, फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। सतनाम जी, सतसाई जी, और इनसे भाई रिकॉर्डिंग चालू रखें। आप कहाँ से आए हैं जी? जाबरी गांव से। ये किधर, कौन से जिले में पड़ता है जी? हरिद्वार जिला। हरिद्वार जिला, हाँ, उत्तराखंड से जी। हाँ जी। तो आप सभी वहीं से ही है जी? हाँ, पूरा परिवार। तो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर आप? चौथी बार आ चुके हैं। हाँ जी। तो गुरु महाराज से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ऐसा कोई 25 साल से। 25 साल से गुरु महाराज जी की शरण में है। हाँ जी जी। तो यहाँ पर आप बताएंगे गुरु महाराज जी का चमत्कार, आप क्यों आते हैं यहाँ पर, किस उपलक्ष्य में है, प्रोग्राम होता है, कुछ बताइए यहाँ पर जो क्या श्रद्धा है आपकी? जी, श्रद्धा ये है कि जो गुरु जी के चमत्कार हैं जी, जो मतलब वह आज भी हैं और रहेंगे सदा, तो उनके लिए हम देखने के लिए, उनके चरणों में माथा टेकने के लिए आते हैं। हाँ, अपनी इच्छा अनुसार के हमारी मनोकामना सतगुरु महाराज पूर्ण करेंगे जी। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग इतनी श्रद्धा रखते हैं, आजकल की जो नई पीढ़ी है वो भटक रही है, अपने धामों पर ना जाकर वे कहीं कहीं जाते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, और हमारे महान पुरुषों के जो भी तीर्थ स्थल है उन पर जरूर जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सतनाम जी।